हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव मेकर में आप लोग का स्वागत है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा रूप यानी कि ब्रह्मचारिणी माता जो कि दूसरे दिन पूजी जाती हैं, और इनका पूरा महत्व मैं बताऊंगी कि क्यों इन्हें पूजा जाता है, इनकी पूरी कथा बताऊंगी और यह देवी का रूप कैसे रखा, ब्रह्मचारिणी क्यों बनी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नवरात्रि के दूसरे दिन ही नवरात्रि में ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का होता है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या से, और माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला होता है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। नवरात्रि की नौ देवियों और उनके बीज मंत्र मैं आप लोगों को बताती हूँ। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चरणी यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिषमय और अत्यंत भव्य होता है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए होती है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर के को पति स्वरूप प्राप्त किया था। घोर तपस्या के बाद उन्हें शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त हुए। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्वरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर ही रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपासना रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के घेरे को के कष्ट के घोर कष्ट सहन किए। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई 1000 वर्ष तक निर्जला व्रत किया, निराहार रहीं, तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ने के बाद इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्ध मुनि सभी ब्रह्मचारिणी को तपस्या को देखकर अभूतपूर्व पूर्ण कृत्य बताया, सराहना की और कहा, है देवी, आज तक किसी ने इस तरह से कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम ही हो जो संभव हो सका है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होंगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पति तुम्हारे बुलाने पर आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह होता है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्ध प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी की इस स्वरूप की पूजा की जाती है जो ब्रह्मचारिणी के नाम से प्रसिद्ध है। नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप में ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति तो होती ही है। शास्त्रों में माँ के हर एक रूप में पूजा की विधि लिखी गई है। इसका कथा में महत्व बताया गया है। माँ की उपासना का मंत्र आप जरूर करें, दधाना करण अभ्यासम कमुंडलु देवी प्रसिद्ध तु मई ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चरणी यानी कि तप व आचरण करने वाली देवी का यह रूप माना गया है। ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है, जो कि दाएं हाथ में जप की माला लिए होती है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए होती है। तो फ्रेंड्स, इनकी पूजा आप फल फूल खाकर कर सकते हैं, इनकी उपासना निराहार रहकर भी कर सकते हैं। आपसे जैसे भी बने आप वैसा ही इनका व्रत रख सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, आप नवरात्रि में अगर व्रत रख रहे हैं तो फिर पूरे सिद्धि से रखिएगा, पूरे विश्वास से रखिएगा, तभी आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। अगर आप माँ देवी के नौ रूपों की अलग अलग कहानियाँ जानना चाहते हैं, अलग अलग कथा जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सारी माताओं के अलग अलग रूप और नवरात्रि का महत्व, उनसे स्थित उनकी घट स्थापना और पूजा पाठ, सारी जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर नवरात्रि से जुड़ी और पूजा पाठ से जुड़ी कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल पर सर्च कीजिएगा, मेरे इस चैनल पर आइएगा, आपको बहुत सी पूजा पाठ से रिलेटेड, नवरात्रि से रिलेटेड बहुत सी जानकारियाँ आप लोग को मिल जाएंगी। लेटेस्ट वीडियो मैंने अभी नवरात्रि स्पेशल वीडियो डाले हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली दोस्तों के साथ में इस चैनल को, और पूजा पाठ से रिलेटेड
और अपने डेली व्लॉग से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।